अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं एहतिशाम अली 333 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, एक बहुत ही प्यारी जगह जो बहुत ही फेमस है गाकूच में। न सिर्फ फेमस है बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत ही अच्छा एक प्यारा वाटरफॉल है जिसे अपर गाकूच वाटरफॉल भी कहा जाता है। एक बहुत ही दिलफरेब, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर का, तो हम आपको आज वो दिखाने लेके आए हैं। तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आएगी। बाकी हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी हर नई आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। तो चलिए हम आबशार दिखाते हैं आपको, एक जिसका बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा है और जहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियाह इधर, लोकल मकामी लोग इधर आते हैं तस्वीरें निकालने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो वो नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। मुझे हमें उम्मीद है कि हम आपको भी वो नज़ारा पसंद आएगा। तो चलिए आबशार के एन बिल्कुल नीचे, तो आप देख सकते हैं इधर, अगर मेरी आवाज़ भी आपको पता नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, तुरंत आवाज़ें आ रही हैं इधर से, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ये है वो आबशार जिसका खूबसूरत मंज़र अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे तो बहुत ही एक प्यारा मंज़र, बहुत ही एक खूबसूरत मंज़र। यहाँ से ये पानी जो है वो जाता है जो गाकूच है डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान का जो हेडक्वार्टर है मेन, उधर के लिए पानी निकलता है। तो बाकी हम करीब भी जाके आपको ये दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो में कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आबशार आपको कैसा लगा, ताकि हम हमारी हौसला अफजाई हो जाए और हम आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो चलिए, आज हमारे साथ इधर एक बैठे हुए कोई मकामी लोग है, कौन है पता नहीं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं ये किधर से आए हैं और ये यहाँ पे इनको कैसा लग रहा है ये आबशार। हमारे साथ हमारे एक भाई बैठे हुए, हम तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और ये किधर से आए ये जानते हैं। शुक्रिया ना पूछने का, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ताल्लुक फिजिकली यासीन से है, तकरीबन 20 साल से पुनिया में रहता हूँ। वैसे नेचर को मैं पसंद करता हूँ, अक्सर घूमने के लिए जहाँ खूबसूरत चीज़ होती है वहाँ घूमने के जाता हूँ। तो सुना था कि यहाँ गाकूच बाला में एक खूबसूरत आबिशार भी है, तो मैंने देखा नहीं था, यकीन नहीं था, आज मैं खुद आया हूँ। मगर बहुत लुत्फानंदोज़ दिल कर रहा है कि यहाँ बैठे इंजॉय करे और दोस्तों को बताए। तो बहुत ही हसीन दिल से नज़र आप इसको देख भी सकते हो। तकरीबन मैं तमाम को ये बताऊँगा कि यहाँ तक इतना अनफॉर्चुनेट यहाँ पर रोड का एक्सेस इसी तरह से नहीं है। अगर यहाँ पर खूबसूरत गेस्ट हाउस या टूरिस्ट कॉटेज बनाया जाए तो यहाँ से हाथ को फरोख दिया जा सकता है और मज़ीद इसमें इम्प्रूव आ सकती है या कोई कंटीन बनाया जा सकता है। मगर ये सियाहत की नजरों से भी उजाले, थोड़े रास्ता दुशवार गुजार होने की सूरत में इजली एक्सेस यहाँ पे लोगों का रसाई मुमकिन नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि ये हाइकिंग के लिए बहुत ही एक, इससे अच्छी कोई जगह हो भी नहीं सकती हाइकिंग के लिए, ये आप कह सकते हैं इस जगह को? बिल्कुल, मैं तो हाइकिंग के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि आप हाइकिंग यहाँ आ जाए, यहाँ पे इसको रोक करें, इसको एक्सप्लोर करें, इसको नेचर में दुनिया के सामने लाए। ऐसे खूबसूरत नज़ारे, ऐसे खूबसूरत चीज़ें हमारे पास भी मौजूद है, हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते, हम इसको मंजर पर नहीं ला सकते हैं। ये हमारी वीकनेस पॉइंट है मेरे ख्याल में। भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया। इसके अलावा ये भी बताऊँ कि भाई जो है यासीन से इधर आए हैं खास कर ये जगह देखने के लिए, इधर हाइकिंग करके इस जगह आए हैं। तकरीबन इधर के लिए 40 मिनट 30 मिनट का रास्ता है इधर, तो आप भी इधर का विजिट करें हमारी वीडियो के जरिए। अगर ये जगह आपको पसंद आई है तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।